हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग लगातार ये हमारा क्लास 10th का साइंस का क्लास चल रहा है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं भैया, MCQ क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न देख रहे हैं आपकी ये सब परीक्षा की दृष्टि से। और इसमें थोड़ा थोड़ा जहाँ भी ज़रूरत पड़ रही है, मैं आपको जो इस चैप्टर का जो है, जो भी निचोड़ है, जो व्याख्या जो भी कह लीजिए, इस चैप्टर में जो जो भी डिफिनेशन इंपॉर्टेंट्स है या जो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट्स हैं उसको हम क्या है थोड़े थोड़े बताते हुए चल रहे हैं। मतलब एक तरह से कह लीजिए तो आप ये चैप्टर का रिविज़न भी हो जा रहा है, ठीक है, चैप्टर का रिवीजन भी हो जा रहा है और उसके साथ साथ आपका MCQ क्वेश्चन भी देख ले रहे हैं। और सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, बाहर से क्वेश्चन लिए नहीं है भाई, आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस विज्ञान मतलब क्लास 10th का, हम लोग छा रहे हो लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आप लोग को एक चीज़ पता है, क्या है अम्ल। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, छार क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। और अम्ल और छार को मिलाने के बाद क्या बनता है हमारा, अम्ल और छार को मिलाने के बाद हमारा क्या बनता है, लवण बनता है। इस बात को आप लोग रूबरू हो चुके हैं, जान रहे होंगे क्योंकि आप रिवीजन में। आइए थोड़ा सा बात करते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में एक चैप्टर हो चुका है, ये दूसरा तीसरा, मतलब आपका ये लगातार जितना भी है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो कंप्लीट सब कुछ पढ़ाया जाएगा और डेली एक एक दो दो वीडियो आपको मिलेगी। आप रिवीजन के तौर पर जल्दी देखते रहिएगा जिससे आपका काम हो जाएगा आसानी से। आइए ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अम्ल होते क्या भैया, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। हमने कहा अम्ल, ये क्या लिखा भैया, ये लिखा अ और क्या लिखा है म और लिखा है ल। अम्ल ल कब आया, बाद में, इसलिए ल कब आएगा भैया, बाद में। तो आप इस बात को याद रखिए कि जो लिटमस पेपर होता है, क्या होता है भैया, लिटमस पेपर, अम्ल जो क्या करते हैं, स्वाद में कड़वे मतलब खट्टे होते हैं और लिटमस पेपर को ये लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और जब ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जब ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, मतलब हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अम्ल कई प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, ठीक है ना। तो जो प्रबल, प्रबल मतलब मजबूत, प्रबल मतलब मजबूत, प्रबल मतलब मजबूत, तो प्रबल अम्ल मतलब वे अम्ल होते हैं जो जल में आयनित या वियोजित हो जाते हैं, मतलब जो जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं, जो जल में क्या होते हैं, आयनित या वियोजित हो जाते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। जिसमें आपको क्या दिख रहा है, H2SO4 याद कर लीजिएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3, ठीक है ना, नाइट्रिक अम्ल, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके बाद कह रहा है कि दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से न घुले, ये क्या है, आयनित, ये क्या है, वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से न घुले उन्हें हम क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल, और जो घुल जाए उसे प्रबल अम्ल। यहाँ तक बात समझ में आ गई, पूरी तरह से घुल जाएगा प्रबल अम्ल, पूरी तरह से नहीं घूमेगा, उसमें घुलेगा तो क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल होगा। ये क्या लिखा है, HCN मतलब हाइड्रोजन साइनाइड। दूसरा हमारा क्या है, ये दिया है CH3COOH मतलब एसिटिक अम्ल। नाम आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ कभी कभी डायरेक्ट आपसे नाम से पूछ ले जाते हैं। इसने क्या क्या HC, अब इसमें कह रहा है फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल कहाँ पाया था, जैसे बिच्छी के डंक में चींटी काटी, तब जब जलन होती है बिच्छी मारता है और चींटी काटता है, जो जहर वाले होते हैं वहाँ पे क्या पाया जाता है, फार्मिक अम्ल, मधुमक्खी हो गया, चींटी हो गया, और मधुमक्खी, चींटी, और ये भी ले सकते हैं बिच्छू, इन सबके डंक में क्या पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल की वजह से क्या होता है, ऐसा होता है। अगले पे देखते हैं, अगला हमारा क्या है, सांद्र अम्ल हो गया, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल, तनु अम्ल। सांद्र अम्ल ये कहता है कि अम्ल अधिक होगा भाई, अम्ल अधिक होगा लेकिन जल क्या होगा, कम। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें मतलब ऐसा सोल्यूशन मतलब ऐसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो लेकिन क्या, पानी की मात्रा कम हो, अम्ल ज़्यादा हो पानी की मात्रा कम हो तो सांद्र अम्ल कहेंगे। तनु अम्ल, तनु मतलब तनी से का भी अम्ल, तनु मतलब तनी से, अम्ल मतलब अम्ल। तो ऐसा सोल्यूशन या ऐसा विलयन जिसमें क्या हो, अम्ल की मात्रा कम हो, तनु मतलब कम हो, तो उसे क्या कहेंगे, तनु अम्ल कहेंगे। तो अम्ल की मात्रा कम होगी, पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, तो उसे तनु अम्ल कहेंगे। क्षारक किसे कहते हैं,
क्षारक भैया स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, वो स्वाद में खट्टा था, ये स्वाद में कड़वा, वो स्वाद में क्या था, खट्टा, ये स्वाद में कड़वा, वो स्वाद में खट्टा। तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं और क्या कर देते हैं, लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, लाल लिटमस को नीला और नीले को लाल। उसमें अम ल ल बाद में आया तो लाल बाद में होगा, मतलब नीला पहले, जब इसमें आएंगे तो लाल पहले नीला बाद में। इसमें भी प्रबल प्रबल हो जाएंगे, प्रबल क्षारक जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है, वो जल में पूर्ण रूप से अम्ल घुम जाएगा तो प्रबल अम्ल, जल में पूर्ण रूप से क्षार घुल जाएगा तो प्रबल क्षार कहेंगे। अच्छा, वहाँ पे हाइड्रोजन आयन देता है लेकिन ये OH क्या देता है, ऋणायन देता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या करता है, OH ऋणायन देता है, वो क्या देता है, हाइड्रोजन आयन धनायन देता है। तो प्रबल मतलब मजबूत, अम्ल की बात करेंगे तो अम्ल घुल जाएगा, क्षार की बात करेंगे तो क्षारक घुल जाएगा, इतनी बात आपको याद रखनी है। आप कह रहा है दुर्बल, अच्छा कौन कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाम आप याद करके रखिएगा, क्या क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कभी भी अगर OH लास्ट में जुड़ा आ जाए तो इसका मतलब क्या करना है आपको, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड चिपका देना, सीधी सी बात है, यहाँ तक क्लियर। कह रहा दुर्बल, तो दुर्बल मतलब कमजोर, दुर्बल मतलब कम या कमजोर, तो जो क्या है, जल में पूर्ण रूप से न घुले, मतलब ऐसा सोल्यूशन, ऐसा विलयन जिसमें क्या हो, क्षार जो है पूर्ण रूप से पानी में न घुले, तो उसे हम क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार कहेंगे, सॉरी दुर्बल क्षार। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन करेंगे भाई, क्वेश्चन करेंगे 100% क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन यहाँ पर लेकर रखे गए आपको, देखो ये सारे क्वेश्चन ही है आपसे, ये सारे क्वेश्चन आपको लिए गए हैं, सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, थोड़ा सा बस थ्योरी देख लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, बस एक पेज यही लास्ट है, लास्ट के बाद हम थोड़ा सा और देख लेंगे, फिर इसके बाद डायरेक्ट इसमें आएंगे, क्वेश्चन पे आएंगे। सांद्र, सांद्र मतलब क्षारक क्या हो, अधिक, और अम्ल क्या हो, कम। इस अरे मतलब क्षारक हो अधिक और पानी क्या हो, कम, क्षारक हो कम, पानी क्या हो, अधिक। तो तनु मतलब तनी से का क्षारक, और तनु से तनी से मतलब कम, कम होगा क्षारक तो होगा तनु क्षारक, कम होगा अम्ल तो तनु अम्ल, और क्या होगा, ज्यादा होगा अम्ल तो क्या, सांद्र अम्ल, और ज्यादा होगा क्षारक तो क्या होगा, सांद्र, ठीक है ना, सांद्र क्षारक। अब ये कह रहा है क्षार किसे कहते हैं, जल में घुलनशील, ठीक है ना, जल में क्या भैया, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ये थोड़ा सा और देख लीजिए, फिर इसके बाद हम लेके चलते हैं आगे। सोडियम क्लोराइड का सूत्र याद कर लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, ये क्या है, धावन सोडा, और ये क्या है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको भी याद कर लीजिए। अब चलते हैं हम कहाँ, अब चलते हैं भैया क्वेश्चन की तरफ, अब भैया आप तैयार हो जाइए क्वेश्चन की तरफ, आप लेके चलते हैं आपको। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और पेन कॉपी लेके बैठे होंगे आप, तो यहाँ से आप अपना चेक करिए कि आपका कितना यहाँ पे सही हो रहा है, ठीक है ना। pH मान होता है, और भी बहुत सारी चीज़ होती है, अगर मैं पूरा व्याख्या करने लगूंगा तो लगभग एक घंटा लग जाएगा, अगर मैं पूरा पढ़ाने लगूँ तो एक घंटा लग जाएगा, क्योंकि हम कह रहे हैं बहुविकल भी प्रश्न कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से बात करेंगे ना। अब यहाँ पर बात आपको आई pH, किसका बात है, pH मान, तो pH मान होता है क्या भाई, pH मान देखो अगर सात रहेगा, सात रहेगा तो उसे क्या कहते हैं, उदासीन, क्या कहते हैं, उदासीन, सात रहेगा तो उदासीन, अगर सात से ज़्यादा हो, क्या हो, सात से क्या हो, ज़्यादा हो तो उसे क्या कहेंगे, क्षार, उसे क्या कहेंगे, क्षारक कहेंगे ना, अगर सात से क्या हो, सात से क्या हो, कम, तो उसे क्या कहेंगे भैया, हम अम्ल कहेंगे, इतना बात आप हमेशा दिमाग में बैठा लीजिएगा। कह रहा है क्षारी विलयन का pH मान होता क्या है, सात से अधिक, ठीक है भैया सात से अधिक, सात से कम क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, सात से कम क्या हो जाएगा, अम्ल हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये आपका पानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पानी, जो क्या होता है, उदासीन होता है, यहाँ पे आप याद रखिए, इतना आपको याद होना चाहिए। मैंने बताया ना कुछ, मैं थ्योरी को उसके अंदर ले लूँगा। ये कह रहा है मीठे सोडे या खाने के सोडे का अणु सूत्र है, अभी हमने आपको बताया, अभी मैं आपको कुछ देर पहले बता रहा था कि भैया फार्मूला आप याद कर लीजिए। तो मीठे का, मीठा मतलब खाने वाले, कह रहा है कि क्या, खाने के सोडा मतलब खाने वाला सोडा, या कह लीजिए बेकिंग सोडा, क्या कहते हैं इसको, बेकिंग सोडा कहते हैं, क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। तो ये कह रहा है NaCH, ये कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये NaHCO3, ये कह रहा है Na2CO3, NaCl, ये तो भैया नमक है, ये क्या है, हाइड्रोक्साइड है। आपकी बात आती इसमें और इसमें, तो ये आपका सही क्या हो जाएगा, सोडियम NaHCO3, NaHCO3, यहाँ पे आपका आंसर ये हो जाएगा। अगले पे लेकर चलते हैं आपको, अगला क्वेश्चन आप बताइए इसमें क्या सही होगा आपका, ये बताइए आपका क्या सही होगा यहाँ पे।
ये कह रहा है निम्न में से प्रबल क्षारक, अभी हमने बताया प्रबल क्षारक किसे कहते हैं भैया, प्रबल क्षारक हम उसे कहते हैं जिसमें 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 क्या भैया, जिसमें प्रबल क्षारक हम उसे कहते हैं जिसमें क्षार की मात्रा क्या हो, अधिक, क्षार की मात्रा अधिक हो और भैया पानी की मात्रा क्या हो, कम हो, पानी की मात्रा क्या हो, कम हो, तो उसे क्या कहेंगे, प्रबल क्षारक कहेंगे, जिसमें क्षार की मात्रा अधिक हो पानी की मात्रा क्या हो, कम हो। तो इसमें कह रहा है NH4OH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कह रहा है प्रबल, प्रबल में क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अभी ऊपर हमने सारा सबका एग्जाम्पल लिया था, तो वहाँ पे आप देख के वहाँ से अगर देख लिए होंगे अच्छे से, अगर आपको याद हो गया होगा तो इन सब क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ कह रहा है सल्फ्यूरिक, क्या लिखा भाई, सल्फ्यूरिक, क्या लिखा है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है, अम्ली अम्ली कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है HCl, इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, तो भैया हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, हाइड्रोजन परमाणु तो हाइड्रोजन कितने पता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, तो यहाँ पे क्या करेगा, कह रहा है कि कितने, कह रहा है कि अम्ली हाइड्रोजन अम्ल में अम्ली हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, तो भैया कितना होगा यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरे यहाँ पे भाई 3 कैसे हो, 2 ही तो है, एक क्लोरीन है और एक क्या है, हाइड्रोजन, एक क्लोरीन है क्या है, हाइड्रोजन, 2 ही इसमें एलिमेंट है ना, ये हाइड्रोजन है, कितने पे आता है, 1 पे, ये क्लोरीन कितने पे आता है, 17 पे, ये कितने पे आता है, 1 पे, ये आता है 17, 17 दुना 34 एक 35, इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 35, और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होती है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, और कभी भी जो मास निकालते हैं हम क्या निकालते हैं, द्रव्यमान, द्रव्यमान हम कैसे निकालते हैं भाई साहब, द्रव्यमान हम ऐसे निकालते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटानों की संख्या, और प्रोटानों की संख्या को हम क्रमांक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रमांक, और प्लस क्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, अगर प्रोटानों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती है, बस ये प्लस होता है, क्या होता है, माइनस, और जब क्या है, प्रोटानों और न्यूट्रॉनों की संख्या को आपस में मिला देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, द्रव्यमान निकल जाता है, ठीक है ना, मास निकल जाता है, यहाँ से इस चीज़ को याद रखिए, ये आप 9th में पढ़े होंगे, हम आगे लेके चल रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आप बताइए इसमें क्या से होगा, जिंक का चूर्ण, जिंक, जिंक का भैया चूर्ण है, ठीक है ना, JN मतलब जिंक का क्या है, चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब HCl, लेकिन कितना उपयोग चाहिए, तनी से, क्या उपयोग चाहिए, तनी से, ठीक है ना, तो सल्फ्यूरिक क्या होगा, कम होगा, तो कह रहा अभिक्रिया से गैस निकलती, कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलेगी, ये बात हम देखते हैं। तो यहाँ जब सल्फ्यूरिक के साथ क्या करेंगे, जिंक के साथ, तो जिंक ये कह रहा भाई देखो, अगर हम जिंक, अगर जिंक के साथ क्या करेंगे, HCl करते हैं ना, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस हमारी क्या होती है, मुक्त होती है, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी, हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त होगी, इस बात को याद रखिए। कभी भी हम करते हैं धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जल और लवण बनाता है ना, अरे हाइड्रोजन और लवण बनाते हैं वहाँ से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका भैया ये, आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा। अम्ली वर्षा के जल का संभावित pH मान होगा, अच्छा अम्ली है तो जब भी अम्ल होगा तो 7 से क्या होगा, कम होगा, 7 से क्या होगा, 7 से कम होगा, अम्ल होगा तो 7 से कम होगा, तो देखिए 7 से ज़्यादा ये है, ये तो होगा नहीं, 7 से ज़्यादा है तो ये होगा नहीं, ये भी आपके क्षार होंगे, ये भी क्या होंगे, आपके क्षार होंगे। अब बात आई इन दोनों में, बात आई इन दोनों में, ये दोनों आपके क्या हैं, ये दोनों आपके अम्ल हैं, लेकिन आपसे पूछा क्या है, पानी का पूछा है, तो पानी क्या से हो जाएगा हमारा यहाँ पे, पानी हमारा से हो जाएगा 5.2, क्या हो जाएगा, 5.2 हो जाएगा यहाँ पे आपका, याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्षारक, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है तो क्या होगा भैया, अपरिवर्तित, अपवर्तित, कह रहा भूरा लाल, ठीक है ना, नारंगी, पीला, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा क्या, नारंगी, क्षारक के साथ हल्दी का रंग क्या होता है, नारंगी होता है। कहाँ पहुँचे भाई, यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, पिछले क्वेश्चन में क्या बताएं, क्या आप क्षारक, क्षारक किसे कहते हैं भैया, जिसमें क्या होता है OH, ठीक है, हल्दी की बात करें तो अच्छा, तो हल्दी में जब आएंगे तो यह क्या हो जाएगा,
भूरा लाल हो जाएगा। भूरा लाल मतलब समझ रहे हैं, अभी समझा दे रहे अच्छे से। हमने कहा क्या है, कपड़ा पर हमने तेल, जैसे सब्जी वब्जी खाते हैं हम लोग, सब्जी खाते हैं, मुर्गा मछली खाते हैं, तो उसका जो जूस होता है भैया, जो रस्सा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, वो गिर जाता है क्या हमारे शर्ट पे, अगर गिर जाता है फिर उसके बाद हम सोडा लाते हैं, क्या लाते हैं, धावन सोडा। और धावन सोडा में क्या पाया जाता है, क्षार। धावन सोडा में क्या पाया जाता है, क्षार। जब क्षार पाया जाएगा धावन सोडा में, आके जब इस पर गिरेगा तो कौन सा रंग दे देगा, ये आपको भूरा लाल देगा। आप देखेंगे तो व्हाइट वाला कलर का जो सेट होता है कैसा होता है, भूरा हो जाता है, हल्का हल्का लाल, हल्का भूरा होता है, नारंगी नहीं होता, हल्का भूरा लाल हो जाता है जब सोडा के साथ होगा। अब लेके चलते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 8 पहुँचे हम लोग ना। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, शुद्ध जल पीएच का 7 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने ऊपर बताया, ये कह रहा है क्षारीय, ये अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा दिख रहा है, इसने कहा क्षारीय विलयन, ठीक है, क्षारीय विलयन में फिनॉल थीन, मतलब जो आपको फिनाइल वाला होता है फिनोलेथीन का सूचक का रंग क्या है, रंगहीन है, नीला है, पीला है, गुलाबी, क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या सही हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर गुलाबी सही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या सही हो जाएगा आपका, गुलाबी सही हो जाएगा। भगाओ भाई भगाओ उसको, सब यहाँ के परेशान कर दे रहे हैं। ये कह रहा है कि एक विलयन, क्या कह रहा है भाई, एक, क्यों काम नहीं कर रहा है, ये कहाँ से गड़बड़ हो गया भाई, बस बस कहीं पे भी हो, फाइल लोडिंग, कहाँ तक हम पहुँच गए थे, क्वेश्चन नंबर 8 से ऊपर हो रहा था हमारा, ये हो गया था, 9वां हो गया था, अरे बाप रे, और बाकी सब क्या हुआ, कितने क्वेश्चन थे, 9 ही क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक विलयन का पीएच मान 3 है तो विलयन है। अच्छा भैया हमको एक बात बताइए, अभी कुछ देर पहले हमने बताया आपको, 7 रहेगा तो क्या होगा, पानी, 7 रहेगा तो पानी, 7 से क्या होगा, कम, 7 से कम कह लीजिए, 7 से क्या कह लीजिए, ज़्यादा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, क्षारक, और 7 से कम होगा तो क्या हो जाएगा, अम्ल। इतनी बात आपको समझ में जब आ गई है तो 7 से कम है 3 ना, तो क्या हो जाएगा, अम्ली हो जाएगा, 7 से कम है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अम्ली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें क्या लिखा है, इसने कहा कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता, अरे भैया क्या कर दिया, लाल को क्या कर दिया, लाल को नीला, लाल को क्या कर दिया, नीला। मुझे एक बात बताइए, अभी हमको ट्रिक बताए थे, अम्ल, ल आएगा बाद में तो लाल होगा, बाद में नीला होगा पहले, तो इसका मतलब ल आया बाद में तो बाद में लाल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपका क्षार है, और क्षार होता कितना है, क्षार भैया आपका 7 से ऊपर होता है, 7 से ज़्यादा होता है, क्षार क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है, तो 7 से कम है, 7 से कम है, 7 से कम है, 7 से ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा हमारा, डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन मेरा 12 है, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में क्या रखा गया है। 12 क्या बोल रहा है, 12 इसने कहा एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि, अच्छा दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, पहले ये जान जो, दुर्बल मतलब कमजोर, दुर्बल मतलब कमजोर। तो कमजोर के हमने बताया कि दुर्बल अम्ल एक होता है प्रबल, एक क्या होता है, दुर्बल होता है, तो दुर्बल में क्या होता है, अम्ल पूछा है ना, तो दुर्बल में अम्ल ज़्यादा होता है और पानी कम होता है, सॉरी अम्ल में ना, दुर्बल में, प्रबल में अम्ल क्या होता है, प्रबल में अम्ल ज़्यादा होता है और पानी कम होता है, क्या चीज़, पानी। तो जब दुर्बल पूछा है तो दुर्बल में पानी क्या होगा, ज़्यादा, और अम्ल क्या होगा, कम। तो देखो इनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, तो हाँ दुर्बल वाले में पानी की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। इसने कहा कि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसने कहा इसमें आयन की मात्रा कम होती है, इसने कहा यह एक कार्बनिक अम्ल है, यह अकार्बनिक अम्ल है,
तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है इसमें कह रहा है दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल में क्या होता है आयनों की मात्रा कम और इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, दुर्बल में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, दुर्बल में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और अम्ल की मात्रा कम होती है, ठीक है ना, दुर्बल में। यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया आपको, हमने कहा कि जिसमें पानी ज़्यादा होगा और क्या होगा अम्ल कम होगा वो क्या कहलाएगा दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल का डिफिनेशन आपको समझ में आ गया, दुर्बल अम्ल हम पहले ही बताएं कि दुर्बल अम्ल में पानी क्या होगा ज़्यादा, पानी क्या होगा ज़्यादा और अम्ल क्या होगा, अम्ल क्या होगा कम। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो हमारा आंसर यही सही होगा, लेकिन लेकिन ये पूछ दिया कि केवल दुर्बल अम्ल के बारे में नहीं पूछा, ये पूछा जो एसिटिक अम्ल है वह एक दुर्बल अम्ल की तरह भांति करता है, काम करता है, तो वो क्यों ऐसा है, क्योंकि भैया इसमें आयनन की मात्रा कम होती है इसलिए। अगर आयनन अगर किसी एक का नाम न देके पूछते तो हम इसमें चले जाते हैं दुर्बल वाले में चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, इसने कहा एक बिलियन लिटमस को क्या कर देता है लाल कर देता है ना, तो तुरंत कर लेंगे भाई, इसने कहा कि लाल कर देता है, क्या कर देता है लाल, लाल आया बाद में और अम्ल, अम्ल में ल आया कहाँ बाद में और लाल आया बाद में, तो अम्ल की मात्रा क्या होती है कम होती है, तो यो देखो ज़्यादा भैया, यो देखो सात से ज़्यादा, यो सात से ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कह रहे एक बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा, नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान होगा, सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है, अम्ली बिलियन पीएच का मान क्या होता है, अम्ली बिलियन पीएच का मान क्या होता है सात से कम, यहां भी क्या हो जाएगा हमारा सात से कम, सात से कम, सात से अधिक क्षार, सात पे पानी। अगला क्वेश्चन हमारा ये भैया देख लीजिए तुरंत तुरंत, 10^6 MSL VH pH मान क्या होगा इसका, ठीक है ना, ये कह रहा है HCl है, यहाँ पे जब HCl लिखा है तो मुझे एक बात बताइए क्या लिखा है HCl, तो HCl का मतलब क्या होता है अम्ल, HCl का मतलब अम्ल, अम्ल क्या कहता है, अम्ल क्या कहता है, तो यहाँ पे हमारा क्या से हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है कि इसका पीएच मान क्या हो जाएगा 10^6 लिखा है इसलिए क्या हो जाएगा इसका 7 हो जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो अम्ल हमेशा क्या होता है कम होता है, ठीक है ना, अम्ल क्या होता है कम होता है, यहाँ से ठीक है ना, तो यहाँ आपको अच्छी तरह पता है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि अम्ल हमेशा भैया क्या होगा 7 से कम होगा, क्या होगा 7 से अम्ल कम होगा, तो 7 से कम कौन दिख रहा है ये दिख रहा है, और 7 किसका होगा मैं बार बार कह रहा हूँ 7 किसका होगा पानी, और ये दोनों किसका होगा, ये दोनों किसका होगा, ये दोनों हमारे होगा क्षार का होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते भैया आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करिएगा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास क्या ये वीडियो पहुँचाइए, अगर आप जितने लोगों की देखने की संख्या बढ़ेगी मैं उतने जल्दी क्या करूँगा वीडियो आपके सामने ला दूँगा। तो जैसे साइंस खत्म हो जाएगा फिर इसके बाद हिंदी ला देंगे, मैथ ला देंगे, समय तो बहुत कम है लेकिन निचोड़ थोड़े थोड़े में काम क्या करेंगे हम खत्म करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।